नाजरीन, मैं हूँ खान रिजवान और मैं गुलाम नबी कुमार। आप देख रहे हैं जी इनके उर्दू। आज हमारे साथ हैं जनाब नुसरत जहीर साहब, उर्दू दुनिया की, मजाक की दुनिया की मारूफ हस्ती जनाब नुसरत जहीर साहब। मोहताज तारुफ नहीं है अदब के मैदान में नुसरत जहीर साहब। अब तो हमारे प्रोग्राम में खैर मुकदम है। नुसरत जहीर साहब, सबसे पहले हम आपकी जिंदगी और आबाई वतन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये भी बताएं कि आपका कयान दिल्ली में कब से है। देखिए, मैं शुरू से ही शुरू कर देता हूँ बात को। जी, मेरी पैदाइश 9 मार्च 1951 में सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद दिल्ली से 30-40 किलोमीटर दूर है, एक जगह तहसील है, बड़ा मशहूर कस्बा है। गालिब के शागिर्द रशीद जो थे, मुंशी हरगोपाल तुख्ता, वो वहीं के थे और उसी महल में मेरी पैदाइश हुई। और उसके बाद में चंद बरस के बाद में हम लोग सहारनपुर मुंतकिल हो गए, जो उत्तर प्रदेश का मगरबी जिला है और वहाँ खत्म हो जाता है उत्तर प्रदेश। तो वहाँ मेरी परवरिश सही मानों में हुई और वही तालीम हासिल की, वही थोड़े बहुत बने, थोड़े बहुत बिगड़े। और वहाँ से फिर मैं 1981 में दिल्ली आया बगर्ज़ मुलाजमत और तब से यही हूँ। बस ये तो है अब तक का सफर। वहाँ कोई किला भी है सिकंदराबाद में? सिकंदराबाद में किला तो नहीं, जामा मस्जिद है, बहुत कदीम जामा मस्जिद है, जो शायद कहते हैं कि सिकंदर लोदी के जमाने की है और सिकंदर के ही नाम से वो सिकंदराबाद है। बहरहाल मुझे उसकी तारीख का बहुत ज्यादा इल्म नहीं है, सिवाय इसके कि कल्लल खां कव्वाल जो बड़े मशहूर कव्वाल थे वो सिकंदराबाद के थे, इतना मैं जानता हूँ। और मुंशी और गोपाल तुख्ता वहां के थे, ये मुझे मालूम है। और इतना साफ सुथरा कस्बा था कि मेरे कभी कभी ख्वाबों में आता है, बहुत साफ सुथरा। और आज मैं देखता हूँ, कभी जाता हूँ तो बहुत दिल को कोफ्त होती है कि ये जगह थी वो, कि जहाँ नालियों में पानी भी बड़ा साफ बहता था, आज वो सब गंदगी से अटे हुए हैं। सब आपकी जो आबावाइता थे वो वहीं से थे या वहीं से हिजरत की थी? मैं बताता हूँ, मैं गरीब खानदान में पैदा हुआ। मेरे वालिद अब्दुल अजीज साहब, उन्होंने समझिए कि इंटर तक सिर्फ तालीम हासिल की थी, इंटरमीडिएट तक। अगरचे वो उर्दू, अरबी, फारसी वगैरह अच्छी जानते थे, शायरी भी करते थे, लेकिन खानदान की गुर्बत ने उनको बहुत ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया। और फिर उन्होंने अपनी कसर हमसे पूरी करनी कराने की कोशिश की कि भाई ये लोग ज़्यादा ज़्यादा पढ़ लिख जाएं, तो वो भी हम नहीं कर पाए, उनकी उम्मीदों पर हम पूरे नहीं उतर सके। लेकिन बहरहाल जिंदगी बड़ी दर्सगाह है, बहुत बड़ी दर्सगाह है। अच्छा, अभी तक जारी तालीम और तरबियत का जो सिलसिला रहा, हाँ, जिन माहौल में आपकी तालीम और तरबियत हुई, वो कौन किस तरह का माहौल था और किन किन तालीम मेरी स्कूलों से या मदरसों से आपकी तालीम मेरी शुरू हुई सहारनपुर जाने के बाद। जब मैं 3-4 बरस का रहा होगा तो उर्दू सीखी, सबसे पहले तो उर्दू अली बेदे सीखी, वालिद से भी सीखी और मोहम्मद अली जौहर के नाम से एक लाइब्रेरी है सहारनपुर में, अजीब लाइब्रेरी है, वहाँ के एक लाइब्रेरियन थे मोहम्मद अली लाइब्रेरी के, उन्होंने लाइब्रेरियन साहब ने कमचियाँ पकड़ के हाथ में लंबी लंबी हमें उर्दू सिखाई। और फिर मस्जिद में भी कहीं गुजरे उजरों में थोड़ी सी उर्दू सीखी। इस तरीके से समझिए कि फिर प्राइमरी स्कूलों में कई स्कूल बदलते रहे हैं, कभी एक साल यहाँ कभी एक साल वहाँ, इस तरह से करके पांचवी क्लास तक मैं किसी मदरसे में, एक मदरसा है वहाँ मखदूमुल उर्दू, वहाँ पे दाखिल हुआ, वहाँ पे तालीम की। फिर इस्लामी इंटर कॉलेज है वहाँ पे सहारनपुर में, वहाँ गया।
और बड़ी मुश्किल से खान साहब मैंने ग्रेजुएशन किया, क्योंकि बीच में मैं सियासत की दुनिया में भी चला गया। एक रोमांस का एक दौर होता है जी। रोमांस वो नहीं इश्क और मोहब्बत वाला रोमांस जी, बल्कि जिंदगी का एक रोमांस होता है जिसमें आदमी सोचता है कि मैं अपने समाज को बेहतर बनाऊं, अपने आप को बेहतर बनाऊं और अपनी दुनिया को बदलने की कोशिश करूं। तो वो एक रोमांस था और मैं उस वक्त मार्क्सिज्म से, और जबकि मैं बहुत ज्यादा तालीम हासिल नहीं कर पाया था, लेकिन मुताला मेरा बहुत था, मुताला मैंने खूब किया था, मैं बहुत पढ़ता था। तो उसी में मैं साहिर लुधियानवी के शेर पढ़ पढ़कर और उसकी नज़में पढ़ पढ़कर और फैज की, ये सब पढ़कर एक रुझान मेरा बना बाएं बाजू की सियासत का, उसमें मैं चला गया। अमलन मैंने हिस्सा लिया और समझिए कि ये जो जिसको हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कहते हैं CPML, मैं उसका मेंबर तो नहीं बना, लेकिन ये उससे मैं जुड़ गया। मगर एक साल में मैंने वो छोड़ दी, इसलिए छोड़ दी कि वो तशद्दुद में यकीन रखते थे और मैं तशद्दुद का मेरा दिमाग ही नहीं, वो समझते थे कि इनकलाब जो है वो बंदूक की नोक पर आएगा, बंदूक बुलेट से आएगा जी। तो वो मैंने छोड़ दिया उसको और फिर मैं हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी में आ गया जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यकीन था। तो उसमें मैं आया, लेकिन मेरी पॉलिटिक्स का थे, मेरी जो मुराद है वो पॉलिटिक्स से मेरी मुराद बिल्कुल खत्म, यानी ये चुनाव लड़ना ये नहीं, बल्कि एक नजरियाती तौर पर अपनी किसी भी जो आपके अंदर खूबी है, जो भी आपके अंदर सलाहियत है, उसके जरिए अपने पैगाम आज के वक्त में अगर किसी स्कूल किसी मदरसे में अगर इस तरह से बच्चों को तालीम दी जाती है उसको डांटा डपटा मारा जाता है। इसके बारे में तालीम के जो माहिरीन है वो ज्यादा बेहतर रोशनी डाल सकेंगे, लेकिन बहरहाल वो उस वक्त का रिवाज था, आज वो रिवाज नहीं चलेगा। रिवाज चलना में उस रिवाज से तरबियत नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा आपसे, उस्तादों का एहतराम आज भी होता है, ऐसा नहीं कि आज नहीं होता, उस्ताद का एहतराम करते हैं लोग। नई नस्ल से मैं नहीं समझता नई नस्ल हमसे कहीं पीछे चली गई है, मैं नई नस्ल को मानता हूँ वो हमसे दो कदम आगे है, कई मामलों में आगे है। और वो आज हम असल में जब ये जो जनरेशन गैप होता है, खान साहब कुमार साहब जो जनरेशन गैप होता है उसमें सभी लोग पुराना दिन के रोने रोते हैं कि साहब पुराना हमारा जमाना बहुत अच्छा था, नई जनरेशन खराब है। ऐसा नहीं, ये नई ये जनरेशन गैप जो है ये हर दौर में, हर दौर में आज भी है और आगे भी होगी। ये नई नस्ल जो मेरे सामने है, ये नई नस्ल भी बूढ़ी होगी, जवान होगी, इनका भी एक दौर आए, उनकी बात की एक नस्ल आए, उसमें भी एक जनरेशन गैप होगा। अच्छा, मैं ये नहीं समझ पा रहा डॉक्टर साहब के आपके छोटे से मदरसे में तालीम हासिल की, आपने ग्रेजुएशन किया, CPML ज्वाइन किया, CPIM ज्वाइन किया, सियासत में आप बाजाबता रहे। हाँ, मैं जेल में अमलन हिस्सा लिया, 3 बार जेल गया, समझिए कि इमरजेंसी से पहले भी मैं जेल में रहा, इमरजेंसी में भी जेल में रहा और इमरजेंसी के बाद भी जेल में रहा, तो हम सुधार नहीं सके। लेकिन आपको वहां से निकल करके आप डायरेक्ट तंजु मिजाह के मैदान में आ गए। हाँ, वो ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे असल में, मैं चूंकि ये जो चुनाव की सियासत है वो सियासत मुझे कभी कबूल नहीं हो रही थी, इसलिए उसमें कदम कदम पर समझौते हुए कदम कदम पर आपको भटकना पड़ता है अपने अपने ख्याल से और झूठ भी बोलना पड़ता है। वो मेरे श्रेष्ठ में नहीं था तो मैंने उसे छोड़ दिया और मैं सहाफत की तरफ आ गया। शायरी में करता था, शायरी तो तब शुरू हो चुकी थी, हाँ शायरी में करता था और उसके बाद में मैं मिजाह का बहुत बाद में आया। और बड़े अफसोस की बात है कि बड़े अजीब और गरीब हालात में वो मिजाह पैदा हुआ। फिक्र तौसी साहब का आपने नाम सुना होगा, क्योंकि तौसी साहब के साथ जो हिंदुस्तान के नहीं बल्कि उर्दू दुनिया के कुबे बड़े अजीम रोजाना कालम निगार थे, वो रोजाना कालम लिखना कोई आसान काम नहीं, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। और मैं उनके साथ मैंने 3.5 साल काम किया गिलाब में अखबार में। और ये मेरी बदकिस्मती है कि मेरे जहन में मैं उनके कॉलम का बड़ा शौक बहुत शौक से पढ़ता था, मिलाप अखबार खरीदता भी मैं इसी वजह से था अपने लड़कपन में कि उसमें फिक्र साहब का मजमून होता था।
लेकिन फिक्र साहब के साथ जब काम करने का मौका मिला तो तकालम निगारी की तरफ मेरी तवज्जो थी। हालांकि अंदर कहीं छुपी हुई थी कोई ख्वाहिश, लेकिन वो जब उनका इंतकाल हुआ उससे कुछ साल बाद मुझे कहीं कुछ कॉलम वगैरह लिखने का मौका मिला, कहा गया मुझसे कि कॉलम लिखिए, तो वो आम किस्म का कॉलम था, उसमें थोड़ा अपने आप ही मजाक आने लगा। तो मिजाज जब उसमें दाखिल हुआ तो मुझे अचानक फिर पता चला अरे मैं तो मिजाज निकाल कुछ है, तो फिर हुआ। आप किस शोबे के साथ मुंसलिक रहे और इस वक्त आपकी क्या मसरूफियात हैं? मैं सहाफत से ही बुनियादी तौर पर जुड़ा था, सहाफत ही मेरा शौक था, सहाफत ने ही मुझे रोजी रोटी दी, सहाफत ने ही मेरे बच्चों की परवरिश की, मेरी परवरिश की, और उर्दू जबान ने, बल्कि कहिए उर्दू जबान ने, उर्दू हमारी मादरी जबान है लेकिन हकीकत यह है कि वो हमारी माँ भी। मैं तो अपने आप को मैं समझता हूँ कि उसी ने मुझे अपना मुझे परवान चढ़ाया है, उसी ने मुझे पाला पोसा है, उसी ने मेरी परवरिश। उर्दू मैं ना जानता शायद मैं कुछ और होता, हो सकता है अच्छा भी होता, हो सकता है और बुरा होता, लेकिन जो इस वक्त मैं हूँ वो सिर्फ उर्दू जबान की वजह से। उर्दू जबान से, उर्दू अदब से और उर्दू की जो आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ये एक जज्बाती ताल्लुक आपका है। खिदमत नहीं करता जी, जी हाँ, हम एतराफ़ करते हैं कि आपकी जो खिदमत है उसको कहीं बुलाया नहीं जा सकता, ये जज्बाती रिश्ता है आपका, जज्बाती ताल्लुक है, और गैर इरादी तौर पर आपने मजाक भी अख्तियार किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसमें अपना नाम भी कमाया। फिक्र तौसवी साहब का नाम आया, कलम निगारी की और सहाफत की दुनिया में बड़ा नाम है फिक्र तौसवी साहब को, उन पर बहुत काम हुआ है, बहुत कम काम हुआ है जितना होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आखिर ये इसको ज्यादती हम कहें या उनको नजरअंदाज करना कहें, आखिर ये कैसे हुआ? ये एक आम रवैया है, एक आम रवैया अदब ने, अदब के जो चौधरी हजरात हैं, जो मुफ्तियाने अदब हैं, वो ये मानते हैं कि तंजो मिजाह निगारी जो है या कालम निगारी जो है वो अदब है ही नहीं। अक्सर तो कट्टर किस्म के ऐसे लोग हैं, लेकिन बहरहाल उनकी मकबूलियत वगैरह ये सब देखकर मैं बाद में अब तो इतना तो मानने लगे हैं कि हाँ ये भी एक तरह का अदब है, लेकिन जो अदब की जो मेन स्ट्रीम है उसमें उसको नहीं मानते हैं, उसको उसका दाखला अभी तक ममनू है, जिसे कहते हैं दूसरे दर्जे का अदब। यूसुफ नाजिम ने एक दफा बड़ी मजे की बात कही थी, उसने कहा था कि बेशक तंजो मिजाह निगारी दूसरे दर्जे का अदब है और वो इसलिए है कि पहले दर्जे का अदब तकदीर ही नहीं हो। क्या आखिर हम ये समझने से कासिर हैं, हम नई नस्ल के नौ लोग हैं, उर्दू भी लिखना पढ़ना सीख रहे हैं, आप लोगों की तरबियत में कुछ इल्म हासिल कर रहे हैं, हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि आखिर ये फैसले कौन करता है, ये फतवे कहाँ से आते हैं, ये अख्तियार किसको हासिल है कि ये अदब है ये नहीं है, ये सिंफ है ये नहीं है, ये अव्वल दर्जे का है ये निचले दर्जे का है। ये एक देखिए जो एक और एक है प्रॉब्लम वो ये है कि उर्दू में इत्तेफाक से, वैसे तो और जबानों में भी मैं समझता हूँ हिंदी में भी तकरीबन ये सिचुएशन आ रही है, लेकिन उर्दू में तो बहुत है कि अब हमारे यहाँ तख्लीकार कम होते जा रहे हैं लगातार और तनकीद निगार बढ़ते जा रहे हैं, प्रोफेसरों की शक्ल में और डॉक्टरों की शक्ल में वो बढ़ते जा रहे हैं, और एक ऐसा पॉइंट आ गया है मैं समझता हूँ आगे चल के अगर यही रवैया रहा तो आगे चल के तनकीद निगारों के पास तख्लीक रहेगी नहीं जिस पर वो तनकीद कर सके, जिसको आगे बढ़ा सके, रवायत को कुछ मजबूत और तवाना कर सके, वो रहेगी नहीं उनके पास। तो ये बड़ी एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है आगे चल के, तो इन्हीं लोगों ने ये जो एक माहौल बनता है एक औरा बन जाता है पूरा अदब में, वही कभी कभी ये तय भी कर लेता है पूरा के साथ, एक ने कही ये बात दूसरे ने पकड़ ली, फिर तीसरे ने उसको दोहरा दिया और कहने कहा मान ले जाने लगा के साथ तंजो मिजाह तो दूसरे दर्जे का अदब है, ये तो यह अदब है ही नहीं, ये तो वक्ती अदब है। हकीकत यह है कि तंजो मिजाह जो है इत्तेफाक से हमारा जो उर्दू जबान है, उर्दू जबान का जो दावन है वो कुमार साहब तंजो मिजाह के बारे में बड़ा मुतवक्किल है, बहुत मालदार जबान है उर्दू जी, उसके यहाँ एक बड़ी कहकशा मौजूद है और पितरस बुखारी से लेकर के और आज तक पता नहीं कितने हमारे यहाँ गुजरे हैं लोग अच्छा मिजाही अदब लिखने वाले, इनके नाम लीजिए आप,
مشتاق یوسفی ہے، ابن انشاء، شوکت شوکت تھانوی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو عام لوگ پڑھتے تھے ان کو. شوکت تھانوی نے تو اتنا لکھا ہے، انہوں نے اتنا عام آدمی پڑھتا تھا اس کو، تو وہ سمادھان کا حصہ تھا. اچھا کمار صاحب ایک بات بتائیے مجھے کہ آپ دیکھیے کہ آپ شاعری کرتے ہیں، آپ افسانہ لکھتے ہیں، اس میں آپ اپنے خیالات سے پوری طرح سے آزاد ہوتا ہے، کسی کو رلانا، کسی کو جذباتی بنا دینا بڑا آسان، کوئی بہت مشکل نہیں ہوتا، تھوڑی تو پریکٹس ہو جائے تو ہو جاتا ہے. لیکن کسی بیٹھے بٹھائے معقول سے بیٹھے ہوئے شخص کو آپ ہنسا دینا اور ایسی تحریر لکھنا، میں نہیں سمجھتا کہ بہت آسان کام، یہ بڑا مشکل کام ہے. اور بڑے صاحب، میں تو کہتا ہوں کہ بڑے آنسو بہا کے یہ تبسم حاصل ہوتا ہے، تو اس کے لیے تو بڑی مشقت اور محنت کی ضرورت ہے. اور میں تب میں سمجھ میں میری نہیں آتا کہ اس کو ادب کیوں نہیں سمجھا. اس کو آج کا شاعر وہ لب و رخسار، گلو بلبل، وہاں سے کس حد تک نکل آیا؟ بہت حد تک، تو بہت پرانی بات ہو گئی جی، اب تو وہ بہت ہی پرانی بات ہو گئی. اور اب تو کلاسک میں کہیں کہیں پڑھتے ہیں لوگ، اس کا لطف الگ لیتے ہیں، اس زمانے کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر کے اس کا لطف لیتے ہیں. اس میں بھی ایک لطف ہے، ایسی بات نہیں. لب و رخسار جو ہے، یہ لب و رخسار کی جو شاعری ہے وہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے بہرحال. لیکن یہ کہ سب کچھ وہی ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور سب کچھ سماجیات ہی ہے، معاشرہ ہی ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں انتہا پسندانہ اور کچھ غیر مناسب رویہ ہے. تو یہ ہے کہ اچھا، اب تک آپ کی کتنی کتابیں منظر ہیں انتہائی ہیں؟ کچھ میری دیکھی، میں شروع سے بتا دیتا ہوں. میری پہلی کتاب آئی تحت اللفظ کے عنوان سے. تحت اللفظ میں ایک مزاحیہ کالم لکھتا تھا، ناظرین کو اس کا سرور میں، ہاں یہ رکھی ہے کتاب، سب سے نیچے دبی ہوئی ہے یہ کتاب ہے، جو جس کا سرور اس کا بھی ایک لطیفہ. میرے ایک دوست آتی صدیقی کے ساتھ جی، بہت وہ ایسے ہی کچھ بنا رہے تھے، تو ایک انہوں نے تصویر بنائی اور کہنے کے یار یہ تو بڑی مانا خیز ہے. کہنے کے یہ تو بکواس ہے. میں کہا نہیں، بڑی مانا خیز ہے، اس کو میں اپنے ٹائٹل بنانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے بنایا، پھر اس کو اس کا ہم نے ٹائٹل کے چکر میں سکاتی ہے صدیقی کا، میں نے نام بھی شاید کہیں دیا ہے اس کا، اس میں صدیقی کا نام ہے، سرور ان کا ہے. تو یہ میری پہلی کتاب تھی، جو ایک چنگاری کے نام سے ایک رسالہ نکالتے رہے ہیں بشیر صاحب، انہوں نے اس کو مجھ سے مطلب ضد کر کے میرے مضمون کے تراشے لے کر ان کو خود ہی جوڑ جاڑ کے یہ کتاب جی. اس کے بعد میں پھر دوسری کتاب آئی میری، یہ بقلم خود، یہ اس وقت کی جب کمپیوٹر کی کتابت شروع ہو چکی تھی تب یہ شائع ہوا. اور اس وقت کی یہ خوبصورت، جہاں تک کتابت کا تعلق ہے اور پروڈکشن کا تعلق ہے، تو خوبصورت کتاب تھی. اور اس کے بعد میں پھر ایک کتاب میری آئی مضمون، جو پیام تعلیم نے، مکتبہ پیام تعلیم نے چھاپی، خراٹوں کا مشاعرہ، وہ مختصر سی کتاب تھی. وہ سمجھتے تھے کہ وہ یہ بچوں کے لیے آئی ہے، تو یہ بچوں کے لیے، یہ خراٹوں کا کچھ مضمون ایسے تھے کہ جو بچوں کے لیے بھی قابل قبول تھے جی. تو وہ اپنی پسند سے شاہد علی خان صاحب وہ بڑے کتاب نما بھی چھاپتے رہے ہیں، کتاب نما بھی چھاپتے رہے ہیں، بالکل وہ چھاپتے تھے بچے میں، کتاب نما کے علاوہ وہ پیام تعلیم میں بچوں کے لیے بھی چھاپتے تھے. اور وہ تو بڑے بچوں کے لیے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا مطلب یہ کہ منتظم قسم کا صحافی اردو کو کم ملے گا، جیسا شاہد علی خان صاحب، جنہوں نے پوری زندگی اسی زبان کے لیے. اور ایک یہ اس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ خود اپنے آپ کو کہیں ظاہر نہیں کرتے تھے، کہیں اپنی علمیت نہیں بگاڑتے تھے، وہ سب کو موقع دیتے تھے، ایک پلیٹ فارم بنا کر رکھتے تھے. تو اتنا اچھا بڑھا نما مانویت کے حساب سے اور معیار کے حساب سے اتنا شاہد علی خان صاحب کے دور میں نکلا ہے، اور یہ پیام تعلیم جی وہ ایسا کبھی نہیں. آپ کی کتاب ہے نمی دانم، ہاں یہ میرے مضمون تھے جو راشٹری سہارا میں چھپتے رہے، ویکلی چھپتے رہے، تو ان کو یہ پینگوئن سے چھپے تھے، پینگوئن والے جو اردو میں چھاپنے شروع کی. اردو کی جو پہلی کتاب تھی پینگوئن میں، وہ جو انہوں نے پہلی کتاب چھاپی تھی جی، وہ میری ہی ترجمہ کی ہوئی تھی،
इफ्तिखार गिलानी साहब का आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छे साथी हैं, बहुत कमाल के साथी हैं, और वो उनको रखा गया था, 3-4 महीने रखा गया अलगाज, लेकिन 3-4 महीनों में जो कुछ उन्होंने देखा समझा था, उस वक्त अडवाणी साहब हुआ करते थे वजीर दाखला, तो अडवाणी साहब बजाते खुद इतने मतलब एक ऐसे सुन के इंसान नहीं थे कि वो उनके साथ इस तरह के सुन करते, लेकिन तो उनके तौर पे हुआ ऐसा। तो उनकी जो किताब थी माय डेज इन प्रिजन, वो पेंगुइन ने छापी थी और वो बेस्ट सेलर थी। उस किताब का उन्होंने कहा कि हम उर्दू में जब शुरू करें तो हम इसी किताब को पहले छापे, तो इसका नतीजा ये है कि ये किताब उन्होंने किस जबान में लिखी थी और अंग्रेजी में लिखी थी, अंग्रेजी में लिखी थी और उसका तर्जुमा भी उन्होंने खुद ही किया था। उन्होंने खुद किया है, खुद किया था। मैं पार्लियामेंट में कवरेज पार्लियामेंट कवर करने जाया करता था कौमी आवाज का रिपोर्टर होने के नाते, तो मुझे उन्होंने दिखाई और कहा कि ये जरा तर्जुमा आप देख लीजिए, तो मैंने कहा असल किताब में मुझे दो, असल किताब उन्होंने दी, तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार तुम अंग्रेजी में कुछ हो उर्दू में कुछ और हो, तो ये तो कहने का मुझे मैं भी मुतमइन नहीं हूँ, पेंगुइन वाले भी मुतमइन नहीं है इस तर्जुमे से, तो आप इसका तर्जुमा कर दीजिए प्लीज। मैंने कहा भाई मैं क्यों करूँ, कहेंगे नहीं मैं आपसे पढ़ता रहा, वो अपनी तारीफ मीर जमाने में मुझे पढ़ते रहे, तो मैंने वो किताब का तर्जुमा किया और साहब तर्जुमा ऐसा हिट हुआ लोग उसको मेरा तर्जुमा कम समझते हैं उसको, इफ्तिखार का लिखा हुआ तर्जुमा ज्यादा समझा, हालांकि मेरा नाम छपा हुआ है, और ये इस किताब पर मुझे साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, तर्जुमे की इसी किताब पर महनामा शगुफा भी है, और फिर इसमें ये जो पेंगुइन ने ही दोबारा ये दूसरी किताब मेरी छापी थी नमीदानम जो एक अरसे तक बिकती रही है, अब ये नायाब हो गई है, फिर कभी देखिए कभी छपती है। एक किताब और आई उसके बाद में, उसका नाम है हजार बातें, ये अर्शिया पब्लिकेशन वालों ने छापी है, बहुत खूबसूरत किताब छापी। उसमें क्या है मौजूआत? उसमें भी मेरे मज़ाहिये मज़ामीन जो है, तंज़ो मिज़ाह के जो मज़ामीन है, उसका एक मजमूआ है वो, और इंतखाब समझिए, और वो साहब आया और आते ही वो खत्म हो गया, यहाँ तो इतना खत्म हो गया कि वो मेरे पास भी काफी नहीं है, तो चुनाचे वो उसका दूसरा एडिशन। ये बड़ी बात है कि महनामा शगुफा जो हैदराबाद से निकलता है, हाँ ये बहुत बड़ी एजाज की बात है, ये मेरे लिए बड़ा आपके लिए ये वाकई बड़े एजाज और फख्र की बात है, और ये इस एजाज की अहमियत मैं आपको ये बता दूं कि मैं इसको इतना दिल के करीब क्यों रखता हूँ, उसकी वजह ये है कि उर्दू की दुनिया में तंजो मिजाह का अकेला एक रिसाला है शगुफा, जो हैदराबाद से शाया होता है और 50 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं इसको, और 50 साल से इसका एक शुमारा भी मिस नहीं हुआ, एक शुमारा। और दूसरी बात यह है कि ये ये भी नहीं, हैदराबाद में फसाद हुए, कर्फ्यू लगे बहुत बहुत दिनों तक, सब कुछ कारोबार जिंदगी बंद रहा, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब जो उसके एडिटर है उनका कमाल ये है कि वो उसको बर वक्त बिल्कुल तारीख पर तसल्सुल के साथ शायद करते हैं और आज तक शायद हो रहा है, और उसका मेयार को उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। इस रिसाले ने मेरे शख्सियत पर या मेरे मजामीन पर एक खास नंबर छापा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास, बहुत ही बड़ा है। को जी 2013 का नुसरत ज़हीर साहब मुदीर भी रहे, अदब सास जो दिल्ली से निकलता था, हाँ ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा काम है कि जिसको मैं सच्ची है कि मैंने काम तो ये बहुत बड़ा काम किया था। मैं नाज़रीन को दिखाएं इसके सरवर, ये अदब साज रिसाला है सर, इसकी वक्फा इशाद क्या थी? मैं बताता हूँ उसका, थोड़ा सा मैं मुख्तसर आपका वक्त दूंगा, ये मेरा इतना बड़ा काम है, मैं इस काम को भूल जाना चाहता हूँ, मैं इस काम को इसलिए भूल जाना चाहता हूँ कि मेरे दिल पर बड़ा असर पड़ता है, वो ये है कि इसको मैंने अपनी बहुत मेहनत की थी, 10-12 शुमारे मैंने इसके निकाले और ये सहमाई था, लेकिन शुरू में ही ये सहमाई रहा, उसके बाद में कभी साल में 2 दफा छप गया, नहीं कभी मुश्तरका, हाँ वो उस तरह से हो जाता वो सरकारी हिसाब पूरा करने के लिए, तो वो मैं करता रहा, और चूंकि मैं इसमें सारा काम मैं खुद ही करता था एक तरह से,
तो अब मैं कोई टीम बनाने में नाकाम रहा, लिहाजा ये इसका सिलसिला मौकूफ हो चुका है। और कभी कोई कोई आएगा जी, उस लोगों से बात चल रही है, वो चाहते हैं कि इसकी जो इसकी लॉयल्टी है कारीन में अदीबों में खासतौर से वो बड़ी जबरदस्त है, आज तक उसकी मांग है, अभी भी लोग चाहते हैं कि ये रिसाला छपे। और गोपीचंद नारायण साहब हैं, मैं तो क्या बताऊँ, वो उससे मैं कभी कभी कोई जिक्र आता था, वो मुझे इतना बुरा भला कहते हैं इस पर कि तुमने ये काम किया और सब बंद कर दिया, ये तुमने बहुत ही बड़ा बहुत बुरा किया, तो उसमें मेरी खासी खिंचाई भी वो करते हैं नारायण साहब, इसको जारी कर सकते हैं दोबारा। लेकिन वो बात यह है कि अब अनासिर में इतदाल कहा, वो भी बात है, टीम अगर हमने तैयार की होती हमने ये गलती तो हमसे कुटा ही नहीं, तो इसलिए मैं इसको भुलाना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं भूलता नहीं। बेहतर तो ये है कि आप भुलाने से बेहतर ये है कि एक नई टीम तैयार करें, नए लोगों को तलाश करें। हम भी चाहेंगे कि ये असली किस्म का रिसाला है, जो मेयर भी है, मुंसरिफ भी है, सारी तक इसकी पहुंच भी है, खास बात तारीख तक पहुंचे। इस रिसाले की खास बात ये थी जिसकी वजह से इसको लोगों ने ज्यादा पसंद किया कि इसको कोई ग्रुप नहीं, कोई इज्म नहीं था, ये पूरी तरह से साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट रिसाला था, इसमें किसी के भी खिलाफ छप सकता था, किसी भी के भी फेवर में छप सकता था, और छापा गया। हमने बाबे इख्तलाफ एक बना रखा था इसके अंदर, तो उसमें सब लोग अपनी अपनी बातें कहते थे, लिखते थे, हम छापते थे। जी जी, वो आया था तो सब भूले हुए थे, हाँ। वो आया था तो सब भूले हुए थे, वो बिछड़ा है तो सब याद आ रहा है। ये नुसरत जहीर साहब की शायरी है, पहला शेर मैंने सबसे पहले पढ़ा था, ये शेर अभी आपके नजर मैंने किया, और ये देखे दरी असना, ये शायरी का मजमुआ है नुसरत जहीर, बहुत खूबसूरत है, वो कि अब तक हम इसको बिलिस्तियाब पढ़ने से कासिर हैं, लेकिन ये मजमुआ हमारे पास है। नुसरत जहीर साहब, इस ताल्लुक से आप अपनी शायरी के ताल्लुक से कुछ बताइए। मैंने तो बता दिया आपको कि जो कुछ महसूस किया, जो कुछ दिल ने शायरी शेर जो है ना, ये जो कोशिश करके नहीं कहे गए, ये मैंने जैसे अर्ज किया था आपसे कि कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो आपके किसी और पैराए में नहीं आते, तो शायरी में वो अपने आप ही रास्ता ढूंढते हैं, वो उसी तरह से रास्ता ढूंढते ढूंढते ये शेर आए। और अगर कुछ अशार हो जाए हमारे नाजरीन भी, अब अशार तो इसमें बहुत सारे हैं जी, लेकिन बारह में कुछ कुछ जस्ता इसे पलट रहा हूँ, तो अजीब अजीब गरीब किस्म की वाकई शायरी है जो फौरन दिल गिरफ्तार कर लेती है, इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है, और ऐसा एहसास होता है कि आखिर शायद यूं ही नहीं, जैसा कि इतनी इजिली आसानी से आप बता रहे हैं कि बस ये है वो, ऐसा नहीं है, बल्कि यकीनन ये एक अरसे से सोची हुई, एक अरसे से एक हालात से गुजरने के बाद एक शायरी की गई। अब देखिए शेर, खलासे चांद सितारे पुकारते हैं मुझे, ये मिसरा आप देखिए, ये कोई आसान मिसरा नहीं है, इसको आप जिंदगी के किस हिस्से से जोड़ सकते हैं आप। खलासे चांद सितारे पुकारते हैं मुझे, उन्हें बताओ जमीन पर रुका हुआ हूं मैं। बहुत ये शायरी यूं ही नहीं है, खेल खेल में नहीं कहा जाता, मतलब हम इनके ख्वाबगाह में है, जैसे इनका कॉल है कि हम यह ख्वाबगाह जरूर है, लेकिन हम यहाँ सोते कम जागते ज्यादा है। ये तो है, ये जो शेर आपने पढ़ा, खलासे चांद सितारे पुकारते हैं मुझे, उन्हें बताओ जमीन पर रुका हुआ हूँ मैं, ये मैंने जेल में कहा था, और ये 50 साल पुराना शेर है तकरीबन, 50 साल तो नहीं, हाँ 45 साल पुराना तो है, 45 साल का, लेकिन हाँ उस वक्त भी शेर कहते थे, और वो मुझे याद है, वो कुछ अंधेरा सा हो रहा था, और हम लोग शाम का खाना खाने के बाद आहाते में टहल उस वक्त ही शेर, सबक क्या कुछ नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर था, वो महंगाई के खिलाफ एक तहरीक चली थी, तो हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा अशार आप, हाँ हाँ मैं वो जो पहला था इसको पास करो, पास करो जब तक तलाश करो, कि हर एक गम का सबब याद आ रहा है, हर एक गम का सबब याद आ रहा है जो कल भूले थे,
अभियान जो कल भूले थे, अब याद आ रहा है। हरे गम का सबक याद आ रहा है, जो कल भूले थे अब याद आ रहा है। और सभी कुछ खुद फरामोशी में गुम था, सभी कुछ खुद फरामोशी में गुम था। तुम आए हो तो सब याद, तुम आए हो तो सब याद आ रहा है। वाह, सभी कुछ खुद फरामोशी में गुम था, तुम आए हो तो सब याद आ रहा, तो सब याद आ रहा है। और कभी जिसकी जरूरत ही न जानी, कभी जिसकी जरूरत ही न जानी मोहब्बत में वो रब याद आ रहा है, कभी जिसकी जरूरत ही न जानी मोहब्बत में वो रब याद आ रहा है। और भुला कर जिसको, ये शेर आपने पढ़ा, भुला कर जिसको दिल था मुतमईन था, भुला कर जिसको दिल था मुतमईन सा, वो सब पेशो अब याद आ रहा है। और गरीबा सी के भी अब क्या मिलेगा, क्या बात, गरीबा सी के भी अब क्या मिलेगा, तेरा दस्ते तलब याद आ रहा है। और वो आया था, ये पढ़ा था, वो आया था तो सब भूले हुए थे, वो बिछड़ा है तो सब याद, तो सब याद है। एक गजल और सुना दी, जी जी जी, पॉज कर लें। जिंदगी मुझ पर नहीं सब पर है भारी, वाह अच्छा है, जिंदगी मुझ पर नहीं सब पर है भारी, क्या करूं क्या, अच्छा है, जिंदगी मुझ पर नहीं सब पर है भारी, क्या करूं, जुल्म गुस्सा बेबसी बे इख्तियारी, क्या करूं। ये जरा कुछ अलग ढंग से कहने की कोशिश की है, जिंदगी मुझ पर नहीं सब पर है भारी, क्या करूं, जुल्म गुस्सा बेबसी बे इख्तियारी, क्या करूं। और ये जो सीने में धड़कता है ये दुश्मन है, ये जो सीने में धड़कता है ये दुश्मन है, ये दुश्मन है मेरा, बढ़ती ही जाती है इसकी बेखराबी, क्या करूं, वाह वाह वाह, ये सीने में धड़कता है ये दुश्मन है मेरा, अच्छा बिस्तर है, वाह वाह, बढ़ती ही जाती है इसकी बेकरारी, क्या करूं, रात फिर ले आई है बेसब्र बिस्तर पर मुझे, क्या बात, अच्छा है, वाह वाह वाह, रात फिर ले आई है बेसब्र बिस्तर पर मुझे, फिर हुआ आंखों से वो एक दर्द जारी, रात फिर ले आई है बेसब्र बिस्तर पर, क्या बात, फिर हुआ आंखों से वो एक दर्द जारी, क्या करूं। और किन गुलिस्तानों में ले आई हो मुझको मेरी जान, किन गुलिस्तानों में ले आई हो मुझको मेरी जान, एक कली भी तो नहीं है इनमें हमारी, क्या करूं, किन गुलिस्तानों में ले आई हो मुझको मेरी जान, एक कली भी तो नहीं इनमें हमारी, क्या करूं। और आरजू का एक दामन दूर तक फैला हुआ, आरजू का एक दामन दूर तक फैला हुआ, और उस पर घर गृहस्थी जिम्मेदारी, आरजू का एक दामन दूर तक फैला हुआ, और उस पर घर गृहस्थी जिम्मेदारी, क्या करूं। और छोड़ कर आया हूँ पीछे दोस्तों की नखवतें, छोड़ कर आया हूँ पीछे दोस्तों की नखवतें, और सामने है दुश्मनों की इनकसारी, क्या करूं, क्या करूं, दोस्तों की इनकसारी, क्या करूं। छोड़ कर आया हूँ पीछे दोस्तों की नखवतें, और सामने है दुश्मनों की इनकी सारी, क्या करूं, क्या करूं, खून टपकता है न कोई दर्द होता है कहीं, ये देखिए काफिया अलग ढंग से बांधने की कोशिश की है, कि खून टपकता है न कोई दर्द होता है कहीं, क्या ये तेरा दस्ते हुनर ये जख्मकारी,
کشیدہ کاری آپ نے سنی جی 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 زخم کاری ہم سے سن لیجیے وہ ٹپکتا ہے نہ کوئی درد ہوتا ہے کہیں اور یہ تیرا دست ہنر یہ دستکار زخم کاری کیا کروں صرف آغوش جنوں ہے عشق کی جائے اماں صرف آغوش جنوں ہے عشق کی جائے اماں ہر طرف ہے حسن کی سرمایہ داری اور دوستوں کی بھی نصیحت اب بری لگتی نہیں غالب بشیر جی دوستوں کی بھی نصیحت اب بری لگتی نہیں چارہ سازی ہے نہ کوئی غم مساری بہت عمدہ. ناظرین یہ تھے جناب نصرت ظہیر صاحب جو طنز و مزاح کی دنیا سے شاعری کی دنیا تک ابھی سفر طے ہوا. ابھی ہم نے ان کا منتخب کلام نصرت ظہیر صاحب سے چلتے چلتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ادب کا منظر نامہ ہے اردو کی جو دنیا ہے جو اردو دنیا آباد ہے اس دنیا کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں فی الوقت جو اردو کی صورت حال ہے اس صورت حال پر اگر ہم گفتگو کرنا چاہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے اردو کا صورتحال تو یہ ہے کہ اردو یہ تو سبھی اب ماننے لگے ہیں سبھی طرح کے لوگ ماننے لگے ہیں جو اردو جانتے ہیں وہ بھی اور جو اردو نہیں جانتے وہ بھی کہ اردو ایک زندہ اور توانا زبان ہے اور ابھی بھی اس کے اندر جان ہے پوری اور وہ پھیل رہی ہے سکڑ نہیں رہی ہے سمٹ نہیں رہی ہے لیکن خاص طور سے ہندوستان میں اس کی جو صورتحال ہے وہ کوئی بہت اچھی صورتحال نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ یہ ذرا اس میں یعنی اندھیرے میں جگنو اور روشنی کی طرح سے اگر کچھ چیزیں نظر آتی ہیں تو وہ یہ نظر آتی ہے کہ جو اردو کے لوگ نہیں ہیں وہ اردو میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں اور شاید کچھ تو شاعری کی وجہ سے کچھ فلموں کی وجہ سے جو اردو کو توانائی ملی ہندوستان میں آزادی کے بعد اس کی وجہ سے اردو آج ایک بہت تندرست اور شاندار زبان اور جاندار زبان بن کر سامنے آئی اور ہے موجود ہے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں اردو کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. پاکستان میں بھی نہیں ہے. پاکستان جس کی زبان اردو ہے کہا جاتا ہے سرکاری زبان تو نہیں ہے وہاں قومی زبان ہے لیکن وہاں بھی اردو کی یونیورسٹی اتنی بڑی ہے اور بڑے فعال لوگوں کے ہاتھ میں ہے بہت اچھے طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں اور اس کو اردو کی لیکن اردو جو ہے بنیادی سطح پر وہ کمزور ہے. پرائمری لیول پر اردو کی تعلیم صرف مدرسوں میں ہو رہی ہے اور سرکاری اسکول نہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں میں سمجھتا. یہ تو سب کے ساتھ ہی رہتا ہے. سب کو ایک جیسی دنیا ملی ہے. آپ اپنا کچھ کریں اب ورنہ تو آپ نے اپنا قبرستان میں بھی اردو لکھنا ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم جی این کے اردو کے بینر تلے ہمارے غلام نبی کمار جیسے فعال نوجوان ریسرچ اسکالر جو اردو کے لیے وقف ہیں اور اردو کے لیے کام کر رہے ہیں ہم یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم اس چینل کے ذریعے سے ہم اردو والوں تک پہنچیں گے اور نئی نسل تک پہنچیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہمیں اردو لکھنا چاہیے اردو بولنا چاہیے اردو پڑھنا چاہیے. ہم اسکول میں بھی اس تعلق سے مطلب مزید سرگرمیاں جاری رکھیں گے. بالکل بالکل آپ لوگ بھی جاری رکھیے اس کو اور میں سمجھتا ہوں آپ کی کوشش ہے اور آپ جیسے آپ اکیلے ہی نہیں ہیں اس کاروبار میں اور بھی لوگ ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں اور نئی نسل تو خاص طور پر اس پر میں سمجھتا ہوں میں بالکل مایوس نہیں ہوں. لوگ اس کو دیکھ کر بچوں کو زبان کے لیے ترجیح دیتے ہیں کہ اس میں اسکوپ آگے جا کر آپ کی نوکری ہوگی آپ کا مستقبل روشن ہوگا. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اردو زبان کا بھی مستقبل روشن آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے تو صحیح نوکری بھی فراہم ہوگی جب اسکول میں بچے آئیں گے تو اس کے لیے ویکنسی آئے گی. اردو کا استعمال بڑھے گا جی استعمال ہمارا اگلا قدم یہ ہوگا کہ ہم اپنے ادیبوں سے ملنے کے بعد ہم ان سیاستدانوں سے ملیں گے اور اپنی بات رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ پرائمری لیول پر اردو کو رائج کریں اور اردو اسکولوں میں اردو پڑھانے کی وہ کوشش کریں اور اس کو لاگو کریں. سرگرمیاں بھی جاری رہنی چاہیے تاکہ صرف اردو زبان صرف پڑھانے کی تک محدود نہ رہے تاکہ لوگوں کو تو کو بھی پتا چلے کہ بھائی اردو زبان کی کیا اہمیتیں لوگ آ رہے ہیں اس سے جڑ رہے ہیں نوکریاں بھی ہیں سب لوگ اردو زبان سے جڑے جتنے بھی لوگ ہیں وہ خوشحال ہیں خوشحال. ناظرین آپ ابھی دیکھ رہے تھے جی این کے اردو. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو
جو روز بروز ہم نئی نئی ویڈیوز آپ کے سامنے قلمکاروں کو آپ کے سامنے ان کی ویڈیوز ہم پیش کرتے ہیں. آپ ان ویڈیوز کو لائک کریں, آپ اپنا کمنٹ دیں اور اس کو پہنچانے میں ہماری مدد کریں. اسی کے ساتھ غلام نبی کمار اور خان رضوان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.